ऑलराइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर WWE ने अनाउंस किया है बीस्ट एनकाउंटर ने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, और इसके अलावा WWE ने एक और बड़ा सेगमेंट भी कंफर्म किया है, और जो कुछ भी होगा कल की स्मैकडाउन में वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो भी चैनल पर है, चैनल को एक बार चेक जरूर करना, आप लोगों को डेफिनेटली हमारी वीडियोस पसंद आएगी, और अगर वीडियोस अच्छी लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अब बात कर लेते हैं हम लोग कल होने वाले स्मैकडाउन के शो की। तो पहली चीज़ की बात कर लें तो WWE ने अनाउंस किया है रोंडा राउजी एंड हमारी लिव मॉर्गन का एक फेस टू फेस वाला सेगमेंट। और यहाँ पर बेसिकली क्या पता WWE की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी डाल दे एंड मोमेंट पे, लेकिन अभी WWE ने ऐसा कुछ किया नहीं है। और फेस टू फेस में क्या ही होगा, मतलब प्रोमो होंगे या फिर अटैक वगैरह हो सकता है, या फिर हील टर्न देखने को मिल सकता है हम सभी को रोंडा राउजी का कल के स्मैकडाउन के शो में, जो कि माना भी जा रहा है, या फिर कोई तीसरा बंदा आके चल करेगा लाइक नटालिया वगैरह, तो दोनों मिल के पेल देंगी नटालिया को, या और भाई उसके बाद दोनों अटैक वगैरह कर सकती हैं। मतलब कुछ तो चीज़ें देखने को मिलेंगी कल इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। WWE ऐसी शायद मेरे हिसाब से फेस टू फेस वाला सेगमेंट नहीं रख रही है इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, बाकी देखो यार क्या कुछ होता है इस फेस टू फेस वाले सेगमेंट में। दूसरी चीज़ की बात करें, नहीं इसको हम लोग एंड में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अब IC टाइटल की। तो लास्ट वीक हम सभी को क्या देखने को मिला था कि गुंथर के सामने आए थे शिंसुके नाकामुरा, जब गुंथर ने चैलेंज किया था IC टाइटल के लिए, एक ओपन चैलेंज दिए थे उन्होंने, तो नाकामुरा सामने आए थे, लेकिन उनके बदले में भाई उनके पार्टनर ने लड़ा था। अब उनके पार्टनर का नाम पता नहीं क्या ही अजीब सा है, तो मैं बार बार नाम उनका ले नहीं पाता हूँ। तो ये कुछ मैच हुआ था जहाँ पर नाकामुरा ने विक्ट्री हासिल की थी, उसके बाद गुंथर को गुस्सा आया, उन्होंने अपने पार्टनर पर ही चॉप लगा दी, या फिर कहते उनको पनिश किया था। और मतलब अब देख के ऐसा लगा रहा है कि आई थिंक नाकामुरा ही उनके समर स्लैम के ओपोनेंट होने वाले हैं, और कल के शो में कुछ ऐसा होगा जिससे भाई गुंथर अटैक करेंगे या फिर नाकामुरा अटैक करेंगे, और कल के शो से हम सभी को नाकामुरा वर्सेस गुंथर का मैच ऑफिशियली अनाउंस होते हुए दिखाई दे सकता है समर स्लैम में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर आई थिंक गुंथर आसानी से विक्ट्री हासिल कर लेंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात होगी। और स्मैकडाउन में चैंपियनशिप की बात हो गई, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात हो गई, उसकी कई बात कर लें यार, अगर कल के शो में स्ट्रीट प्रॉफिट्स होंगे तो भाई वही कुछ, मतलब WWE ऐसी कुछ करवा देगी कि समर स्लैम तक उनको कुछ ना कुछ घसीटना है। और हाँ, स्पेशल बात, जेफ जैरेट हो चुके हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी, तो मे बी हम सभी को कल के स्मैकडाउन के शो में जेफ जैरेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और WWE बेसिकली एक हाइप बना सकती है जेफ जैरेट के लिए भी, क्योंकि यार अगर तुमने स्पेशल गेस्ट रेफरी डाला है तो कुछ तो हाइप बनाओ। तो मे बी कल हम सभी को जेफ जैरेट स्मैकडाउन के शो में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अगर आते हैं तो भाई थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा जेफ जैरेट से। और मेन चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारे बीस्ट एनकाउंटर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। और भाई WWE ने पता नहीं क्या ही, मतलब क्या ही कर रही है WWE, एक को रॉ के लिए डाल दी, एक को स्मैकडाउन के लिए। अब ये जो शो होने वाला है वो पता नहीं इसमें रोमन रेंस आएंगे या फिर नहीं, वो ब्रॉक लेसनर के सामने आएंगे या फिर नहीं, इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल की तो ब्रॉक लेसनर अनाउंस हैं, रोमन रेंस नहीं, और हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। WWE कुछ भी करवा देती है एंड मोमेंट पे, हम लोगों ने पास दो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखे हैं जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। तो क्या पता कल लेसनर कोई प्रोमो वगैरह कट कर रहे हो तो भाई पॉल ही मना है, और वो कुछ ऐसी बातों में बताएं ब्रॉक लेसनर को जिससे भाई उसे आकर अटैक करें, देन रोमन रेंस आकर अटैक करें, और इसके बाद जब रोमन रेंस रॉ पर आने वाले मंडे नाइट रॉ में, तो वहां पर लेसनर रोमन की धुलाई करें। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्मैकडाउन में लेसनर की धुलाई हो जाए, देन रॉ में रोमन की धुलाई हो जाए, तो यहाँ से मतलब WWE एक फ्यूड बिल्ड कर सकती है समर स्लैम के लिए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया बात होगी। और अगर कल लेसनर कुछ फिजिकल वगैरह होते नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा स्मैकडाउन के शो में, और क्या पता भाई वो सैमी ज़ेन वगैरह सामने आ जाए कि मैं ब्लड लाइन के मेंबर हूँ, और ऐसा कोई छोटा मोटा सुपरस्टार लेसनर के सामने आ जाए जिसे लेसनर आराम से F5 वो सुप्लेक्स लगा दें। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर से बता देना। सो वेल मरी जज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।